अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं सब? ठीक हैं यार। एक और फीमेल हमारी सेल हुई है बांग्लादेश में, और ये पीछे फीमेल बैठी हुई है। जिका वो जिका गुड गर्ल्स, तो ये है जी जिका। और अभी सबसे अगर स्टेप वाइज चलें तो सबसे पहले तो आपको चाहिए पेडिग्री। पेडिग्री के बाद आपको सबसे पहले अपना जो भी आपका कंपनी है जो एक्सपोर्ट करने वाली है, यार इस तरफ ही रखते हैं, तो जो भी एक्सपोर्ट करने वाली है उस कंपनी से के ऑफिस जाएं, पेपर लेके पेडिग्री वगैरह लेके वो स्कैन करेंगे माइक्रोचिप से, माइक्रोचिप स्कैन करेंगे स्कैनर से, वेट करेंगे, फिर उसकी हाइट चेक करेंगे, लेंथ चेक करेंगे, विड्थ चेक करेंगे। वो एक पूरा पैटर्न होता है। मसलन अगली जो टांगे हैं फ्रंट वाली, वो टोटल टांगों का साइज वो लेंगे, हेड का साइज कानों को लंबा करके, मसलन कान ऐसे सीधे खड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल एक कान इधर लंबा करके फिर उसका साइज लेंगे, और ऐसे ही आगे नोज़ से लेकर और टेल जहाँ से स्टार्ट हो रही है यानी हिप तक, यहाँ तक उसका साइज़ करेंगे ये लंबाई कितनी है, और फिर डॉग को बिठाकर फ्रंट नीचे पंजों से लेकर, और जब वो बैठता है तो जहाँ तक उसके कान की टिप ऊपर जा रही होती है वहाँ तक, तो ये साइज़ उन्होंने लेना है ये सारी। और फिर उसका वेट करना है। अब इसका वेट 24 किलो था, तो 24 किलो ये और उसकी वो डायमेंशंस, ये सारा कुछ वो लिख के फिर उसके बाद आपको एक वो बता देते हैं कि यार इतना है इसका हम लोग कार्गो का आएगा। तो वो अभी इन्होंने इसका ले लिया है, और इंशाल्लाह कल तक इसका कंफर्म हमें पता चल जाएगा कि कितना चार्जेस होंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर कभी किसी ने एक्सपोर्ट करना है कोई डॉग, तो कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ हमारी अल्लाह हमें हिदायत दे ईमानदारी और बेईमानी की है कि यार यकीन माने कितने लोग हैं जो अभी बायर से रब्ता कर रहे हैं। मैं बायर से बहुत सारे दोस्त रब्ता कर रहे हैं, और कल एक बंदे ने कहा, अब उन्होंने मना किया हुआ है बताने से, तो कल उन्होंने बताया, कहते हैं यार तकरीबन 30 से 35 डॉग्स की पेमेंट हुई भी है और वो रुके हुए हैं। अब वो रुके हुए क्यों हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इतना तो रुकना चाहिए ही नहीं। अब एक बंदा कारोबार कर रहा है तो कमाने के लिए कर रहा है डेफिनेटली, अब तो कमाओ ना यार, किसने मना किया, लेकिन बेईमानी तो ना करो, क्योंकि उससे आपने वो एक दफ़ा ही पैसे खा लिए, बस ख़त्म, नेक्स्ट आपको कोई नहीं बोलेगा। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि अगर कोई भी भेजना चाहता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, भेज सकते हैं। अच्छा, भेजनी कैसे है? सिंपल, आपका डॉग माइक्रोचिप हो, पेडिग्री लें, उस कंपनी के पास जाएं जिससे आप करवाना चाह रहे हैं कार्गो, उसको जाके ये वाली वो डायमेंशन ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने केज बनाना होता है बेसिकली, तो उस केज का जो साइज़ होगा उसके हिसाब से पैसे लगेंगे, और उस साथ इसके प्लस जितना वेट होगा। तो ये चीज़ें वो चेक करके उसके बाद आपको दूसरे दिन बता देंगे यार इतने पैसे हमने इसके लगेंगे। उसके बाद आपको समझ आ गई, हाँ यार ठीक है, इतना कार्गो हम दे सकते हैं। तो इस ईमेल की पेमेंट हो चुकी है, उन्होंने हमने एक अप्रॉक्सीमेटली बताया था कि यार तकरीबन इतना होगा कार्गो का, तो उन्होंने उससे एग्री कर लिया, मतलब 6 लाख रुपया हमने उसको कहा कि यार 6 लाख रुपया तो कार्गो वाले लेंगे ही लेंगे, तो बाकी एक्सपेंसेस अलग होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, तो अभी इसकी पेमेंट वगैरह आ चुकी है। तो ये है कि अच्छा, तो जब आपको कार्गो के रेट आ जाएंगे, और आप ये मैंने इसलिए बता दिया कि कोई किसी को अगर आइडिया चाहिए हो तो उसको पता चल जाए कि बांग्लादेश तक ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया 25 kg के डॉग का, फीमेल का, मेल का नहीं, मेल की चूँकि हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ भी ज़्यादा होती है,
तो उसके फिर हिसाब से उसके और वेट भी ज़्यादा होता है तो वो बढ़ जाएगा। तो ये फीमेल का है क्योंकि फीमेल इस साइज़ की, बहरहाल इस साइज़ का अगर मेल भी होगा तो वो भी एनीवे। तो अभी जब वो आ जाएगा और हम एग्री हो जाएंगे उस कार्गो के रेट पर तो बस ठीक है, फिर हम इसके हमने वैक्सीनेशन बुक लेनी है जो कि पहले से होती है डेफिनेटली, फिर आपने इसका जो है ना इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार करवाना है। और वो डॉक्टर साहब 3 बार विज़िट करेंगे ऑलमोस्ट, उसमें चीज़ें वो टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। अच्छा ये लास्ट में करवाना है, उसकी वजह है मेरे ख़्याल में जब लास्ट टाइम मुझे यही पता चला था कि यार वो 3-4 दिन के अंदर अंदर फिर उसमें जाना भी चाहिए, आगे पेपर चले जाने चाहिए, सबमिट हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो लेट होंगे तो फिर वो कहते हैं यार ये तो इतना टाइम पहले की रिपोर्ट है, हमें क्या पता उसके बाद कोई बीमारी नहीं हुई। तो एनीवे उसके अलावा आपने रेबिसिन की वैक्सीनेशन करवानी है, रेबीज़ की। तो उसमें सबसे जो इशू है वो ये है कि टाइम ट्रैकिंग प्रोसेस है और कोई नहीं मसला। आपने आज करवाई है तो फिर 10 दिन के बाद रिपीट होगी, अब 10 से 12 दिन के बाद रिपीट हो गई तो फिर उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जाके वो टेस्ट लेते हैं, सॉरी हफ्ते के बाद टेस्ट सैंपल लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं सैंपल को और ब्लड सैंपल को, और उसके बाद तकरीबन कोई 15 से 20 दिन लेते हैं जब आपकी रिपोर्ट आएगी। 40-40 दिन भी बोल रहे थे, बहरहाल कुछ अर्जेंट करवा कर वो के तो उन्होंने कहा था 20 दिन तो लगेंगे, शायद कि 15 कर लें हम, लेकिन बहरहाल 20 दिन लगेंगे। तो उस पर एक टाइम ज़्यादा लग जाता। तो फिर आपने इसका रेबीज़ की वैक्सीनेशन और उसके रिपोर्ट्स जब क्लियर आ जाएंगी तो ये चीज़ें आपने, फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है डॉक्टर साहब से, वो उसके सारे चेकअप वगैरह हो जाएंगे, टेस्ट सारे सामने आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपने इसको इन सब पेपर्स को भेज देना है कार्गो वालों को। तो उसके बाद फिर कार्गो वालों का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर तो मतलब दिन तो 2 लगे 4 लगे हफ्ता लगे उसके अंदर अंदर ही इंशाल्लाह, वो जैसे ही कोई ना कोई फ्लाइट ऑक्सीजन वाली चलती है तो अरेंज हो जाती है तो वो कर देते हैं। तो बहरहाल ये है प्रोसेस, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने भेजे जब डॉग्स तो बस कोई ख़ास ऐसा वो प्रॉपर नहीं बना सका, बस जल्दी जल्दी में बता दी थी चीज़ें। तो अभी ये फीमेल जा रही है तो इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ इसके साथ बताता चला जाऊंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह 2 डॉग्स और जाने हैं, उनकी बात ऑलमोस्ट कंफर्म हुई पड़ी है, डॉग्स बाय हो चुके हैं मार्केट से, तो वो जाने, वो बस भेजने मैंने। तो एनीवे इस तरह है कि नामुमकिन नहीं है, परेशानी की भी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, शुरू में थी क्योंकि भेजे किसी ने नहीं थे और अगर किसी ने भेजे थे तो बता कोई नहीं रहा था, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, शायद किसी को ये डर था कि यार हमारी जो है ना वो शायद, एनीवे छोड़ो। तो ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं, चले जाते हैं डॉक्टर। इसके अलावा जी लोग काफ़ी पूछ रहे थे उनका केजेस का, अभी भाई का मैसेज आया हुआ था ठीक सा, तो यार केजेस जो छत पे सेटअप है वो बहुत मुनासिब है, इतना कोई वो नहीं है कि यार गर्मी है, गर्मी नहीं, बहुत हद तक कवर हो जाती है। और स्पेशली मैं यार एक बात बताऊँ ना कि फीमेल्स को तो आप कोर्ट में रख ही नहीं सकते हो, फीमेल्स को आप बेशक एसी क्या एसी के बीच में डाल देना, बर्फ़ के बीच में रखें फिर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 दफ़ा उसने कोट शेड मुकम्मल कर देना है, एक दफ़ा जब वो हीट पर आ रही है और दूसरी दफ़ा जब उसने लिटर दे दिया, ये 2 टाइम ऐसे हैं कि जब उसने कोट शेड कर देना है। तो अब आपने भले उसको कितना भी कोट में रखा हुआ था, कितना भी कंडीशन में रखा हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर फिर यही है कि यार आप जो है ना ये जो मेहनत है ये मेल पे करें, हाँ फीमेल को ठंडा ज़रूर रखें, और ठंडा रखने के लिए मेरे ख्याल में ये जो ब्लोअर कूलर है ये मोर देन इनफ है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई गर्मी लगती नहीं, बहुत अच्छा है, और बाकी कूलरों से इसलिए अच्छा है जो जो लॉरी कूलर या इस तरह के सीन है
उनसे इसलिए अच्छा ज़्यादा है कि वो नमी फेंकते हैं पानी उनके बीच में जो है ना, वो उसकी हवा में पानी के कतरे आते हैं और नमी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन वैसे सेंसिटिव होती है लॉन्ग कोट की, और ये लॉन्ग कोट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक कोट वाला तो कोई इशू नहीं। तो अब अगर आपने स्टॉक कोट रखे हुए हैं, लॉन्ग कोट नहीं रखे हैं तो आप इजीली जो है ना वो तो कूलर में रख सकते हो, लेकिन आपने अगर लॉन्ग कोट रखे हुए हैं तो फिर भाई आप आराम से वो कर लें अपना ये वाला ब्लोअर कूलर लगा लें और कोई मसला। फीमेल जाए तो मेल के लिए थोड़ा है कि यार मेल को, चूँकि मेल इतना कोट शेड करता नहीं, करते हैं बट इतना नहीं करते जितना फीमेल है, बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। तो मेल को आपने कंडीशन में रखना होता है शशके के लिए, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप एसी वगैरह का बंदोबस्त कोई करें। बाकी ये छत पे सिस्टम और सेटअप जो जो मैंने डिटेल से बता दिया, अगर फीमेल सिर्फ रखी हुई है यार बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। तो बेधड़क हो के आप ऐसा सेटअप बना सकते हैं। और जी इसके अलावा और कोई बात हुई तो ज़रूर वीडियोस में कमेंट्स में पूछते हैं, मैं हाज़िर हूँ, मेरी समझ में जो आएगा इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह बता दूंगा। कभी किसी चीज़ का ये पर्दा नहीं रखता हूँ कि यार अब ये तो मैं भेज रहा हूँ डॉग्स तो लोगों को पता चल जाएगा, लोग भी भेजना शुरू कर देंगे तुम्हें। तो मेरा रिज़क जो है ना वो हर किसी का रिज़क ही रब ने आसमानों में तय किया है, हमारी तदबीरों में और इस चवलियाँ मारने में कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हम लोग अपने जो है ना वो दिमाग में टेंशनें पालते रहते हैं, अल्लाह की कसम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी किसी कारीगरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रब ने जो रिजक लिखा, कितने लोग होंगे यार वो एक्सपीरियंस किया होगा कि ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आता है जब आप कोई ख़ास काम नहीं करते हो, आपको इनकम हो रही होती है और आप बाज़ टाइम ऐसा था मेहनत करते हो और कारोबार भी चल रहा होता है, और एट द एंड साल के बाद डेढ़ साल के बाद आप ज़ीरो पे खड़े होते हो या माइनस में गए होते हो। तो वल्ला यार इस दुनिया को अल्लाह ने आजमाने के लिए पैदा किया है, और मेरे रब ने बनाया है, कोई ऐसे नथु फतू ने नहीं बनाया है, उसने ऐसी कमाल की आजमाइश बनाई है, हर कोई बंदा आजमाया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसके पास कोई निज़ाम कोई कारोबार चल गया वो आजमाया नहीं जा रहा, उसके ऊपर मुख्तलिफ परेशानी है, मुख्तलिफ टेंशन है। एनीवे ये है कि इसलिए ये तुम मैं कोई बात भी बताने से कोई बात शेयर करने से इसलिए नहीं झिझकता हूँ और बता देता हूँ खुले सरेआम कि यार ये ऐसे 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 लोग अक्सर वल्ला मुझे लोगों ने कहा यार तो आप तो हर बात जो ऐसे बताते फिर, और बस कुछ कह नहीं सकता हूँ मेरा ज़्यादा, उनकी अपनी सोच है। एनीवे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी की वजह से ही अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ देखी, तो मेरे जैसे बंदे का इतना निज़ाम चल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शायद सिर्फ इसी वजह से ही है कि मैं किसी के लिए बुरा सोचता नहीं हूँ यार, खफा हो जाऊँ किसी से, एक दो मेहरबान दो चार ऐसे हैं जो बहुत ही अजीब बातें उन्होंने की हैं, बहुत घटिया, मतलब छोटे बच्चों वाली और चवलों वाली। बहरहाल यार अभी जितनी अभी हमारी उम्र गुजरी पड़ी है या जिस हिसाब में हैं तो वो कोई मसला नहीं है कहीं पर जो है ना वो किसी को मुलाकात करने का, लेकिन छोड़ो दफ़ा करो, अपने बखेड़े बहुत हैं और इस तरह रास्ते पे जाते हुए कितने बंदों से मुंह लगाएंगे और क्या क्या करें, अपने काम छोड़ के लोगों के पीछे लगे। तो बहरहाल लोग तो नहीं जीने देते हैं भाई, लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छा करना शुरू कर दें, उन्होंने तो राज़ी नहीं होना, तो रब की तकसीम से राज़ी नहीं है, तो वो तो माँ बाप से राज़ी नहीं है तो मेरे से किधर राज़ी हो सकते हैं। लोग तो इस सबसे बड़ी आजमाइश में आए हुए हैं ना, तो वो तो राज़ी तो होना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अपनी तरफ से अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ ना तो मेरे रब का फिर निज़ाम है जो किसी के लिए अच्छा कर रहा है, हाँ अगले को अच्छा ना भी लग रहा हो एन मुमकिन, उसकी अपनी सोच है, उसको शायद नहीं, हम बाज़ लोग तो बच्चों को दवाई दे रहे होते हैं, बच्चे आगे से शोर कर रहे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो करने वाला भी अच्छा नहीं कर रहा है। बहरहाल तो मकसद ये गपशप करने का सिर्फ इतना है कि अगर हम दिल से किसी के लिए अच्छा करना शुरू कर दें, खुदा की कसम कुदरत का कानून है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, शायद बज़ाहिर अच्छी ना हो रही हैं लेकिन जो बुरी होनी है शायद वो ख़त्म हो रही है। तो बहरहाल मैंने तो ये देखा है कि अल्लाह ने बहुत बहुत मेरे जैसे नाकिस पर बहुत करम किया। तो
मेहरबानी है उनकी भी जिन्होंने जो है ना इतना ट्रस्ट किया बहुत सारी चीज़ों में, और उनकी मेहरबानी है जिन्होंने कुत्तीची का मचाया है, कि शायद उनके कुत्तीची के की वजह से ही मैं थोड़ा सब्र कर गया या चुप कर गया या जो भी, तो अल्लाह ने कुछ और रास्ते निकाले हैं और कुछ और निज़ाम चला दिए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एनीवे दुआओं की दरख्वास्त है, और किसी किस्म की और कोई बात हो तो बेशक पूछ लें जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।